वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल फ्रॉम मनाली। कल जो स्नोफॉल हुई थी लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बारिश होती रही। आज तो सारा मौसम ही खुल गया है, धूप निकलने लगी है, तो जो कल स्नोफॉल हुआ था सारी स्नो मेल्ट होने लग गई है। कल तो ये सारा भरा हुआ था। सुबह सुबह वक्त है, चल के करते हैं ब्रेकफास्ट। रेस्टोरेंट वाले अंकल की बोल के ऐसी मैं सवेरे ब्रेकफास्ट कादा करूंगा, छोले भटूरे का। चलो भी करिए, चलो चल मेरा भटूरा। बताए ना छोले भटूरे खाने। कल रात में डिनर के टाइम भी अंकल को बोल के आया था मैं सुबह आऊंगा छोले भटूरे खाने। हाँ जो फास्ट पुरानी बर्फ तो उल्टी पड़ी हुई है। यस ना आ गया छोले भटूरे। छोले भटूरे गर्मा गर्म। तो खाते हैं गर्मा गर्म छोले भटूरे। और का दिल था कमजोर, चलो हम भी साथ खा लेते हैं जोरावर के ठंड में गर्मा गर्म छोले भटूरे। हो गया ब्रेकफास्ट। चलो फिर तो होटल मे फ्लावर से हम लोग अभी चेकआउट ले रहे हैं और जा रहे हैं चंडीगढ़। बहुत मजा आया रह के। हम लोग एक दिन के लिए रुके थे लेकिन प्रॉपर्टी इतनी ब्यूटीफुल है और यहाँ का स्टाफ इतना फ्रेंडली है और इतनी अच्छी सर्विस एंड फूड एंड एवरीथिंग, मतलब ओवरऑल बहुत हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। अगर आप भी मनाली आते हो तो आपको पता है कहाँ रुकना है, मे फ्लावर होटल। ये मॉल रोड से बहुत पास में है। ये ऑफ़सीज़न में 3,000 रुपये पर नाइट है, ओनली रूम में बेस कैटेगरी का। और जो सीजन में है वो 6,500 रुपये जो पर नाइट पड़ता है, जो अप्रैल मई जून में और न्यू ईयर पे जो है प्रीमियम रूम है। तो उसमें टैरिफ जो है 3,700 रुपये जो है आज की डेट्स में है। सभी रूम्स में बाथ टब है। अगर आपका दिल करे जरूर इस प्रॉपर्टी को चेकआउट करना मेरी रिकमेंडेशन पर। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी अच्छी लगी है इसलिए मैं दिल से रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप इस प्रॉपर्टी में आओ आप और मेरा स्टिकर आप रिसेप्शन पे स्पॉट कर सकते हो। यहाँ सेल्फी खिंचा के मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपने यहाँ स्टे किया। अरे जोरा की दीदियाँ आ गई। ये जो प्रॉपर्टी हमारी है ये 1965 से है, तो ये वाला हमारा अभी जो है रिहाइश पे है। तो ये पोर्शन जो ये 1965 का है ना, पहले ये पोर्शन हुआ करता था। उसके बाद जो ये जो फॉर्मल में जो पीछे जो है मुख्यमंत्री रहे पंजाब के, उनके पिताजी ने जो है ये डिजाइन कराया है, उन्होंने सजेशन दिया था। ये मतलब इसको 25 साल हो गए इस प्रॉपर्टी को। जो यादविंद्र सिंह जी नाम है उनका। हाँ जी जी, तो उनके पिताजी यहाँ आते थे रहते थे रेगुलर जो है, तो उन्होंने ही फिर डिजाइन कराया था और सजेशन दिया था। अच्छा जी, उनके सजेशन पर ये प्रॉपर्टी का डिजाइन बना है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। प्रॉपर्टी पसंद होगी। हाँ, महाराजा पटियाला को। महाराजा पटियाला थे यादविंद्र सिंह जी, उनके द्वारा सजेशन पर ये डिजाइन बना है इस होटल का। हमने अपने होटल से चेकआउट ले लिया है, अब हम बहुत ही खास लोगों को मिलने जा रहे हैं। मेरे फेवरेट यूट्यूबर है वो। कल हम मिले थे गाय फ्रॉम मनाली, जिनका यूट्यूब चैनल है, उनका नाम है अश्विनी। कल उनसे हम मिले तो बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई, बहुत अच्छा लड़का है वो। आज उन्होंने मुझे कहा कि आज के दिन भी आप रुक जाते हम राइड पर चलते, तो ज्यादा छुट्टियां नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके आएंगे फिर जरूर आपके साथ राइड पर जाएंगे। तो कह रहा था कि आप फिकल ऐसे करना कि सुबह मत निकलो, थोड़ा लेट निकलो, फिर एक बार मिल लेना हमसे। और कह रहे थे कि अनुनय सूद, वो भी आप जानते ही होंगे, वो भी यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, बहुत अच्छे वीडियोज बनाते हैं। तो कह रहे थे कि मैं, वो भी मेरे फ्रेंड है, तो वो यहाँ आए हुए हैं मनाली में, तो मैं आपको कल उनसे भी मिला देता हूँ। तो मैंने कहा भाई जरूर और जरूर मैं मिलके आप लोगों को जाऊंगा, चाहे मुझे लेट क्यों ना निकलना पड़े, पर मैं मिलके जाऊंगा। तो बस 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे उनके पास, लेट्स गो। रात में भी हम इसी रोड से गए थे लेकिन क्योंकि अंधेरा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आप देखिए क्लैरिटी और सामने माउंटेन है ना, ब्यूटीफुल नजारा। बस सामने
सोलांग है, फिर आगे रोहतांग अटल टनल, यही रूट है केलोंग रोहतांग। एडिटिंग का काम ही कर रहा था अपना। हाँ जी सॉरी व्हाट रॉबर्ट सिंह हैवी नेम। हाँ जी अनुने भाई बहुत हेलो, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। कल ही मैं अश्विनी से मिला हूँ हमारे नोन के थ्रू, मतलब अच्छा तो उन्होंने कहा कि आप भी आए हुए आपके डेली के ब्लॉग देखी थी आप खुद ही पहुंचे हुए है ना, तो मुझे लगा शायद आप होंगे नहीं यहाँ, तो इन्होंने बोला मतलब मिल के जाऊंगा आज। उन्होंने अगले निकलना था कब से फॉलो कर रहे थे कि ये कब आए और फिर स्नोफॉल भी हो ना, रुक गया आपको भी मिलने मिल गया मुझे। अरे हम हो ना हो आप ऐसे रुक नहीं, मैं आऊंगा नेक्स्ट टाइम तो पक्की बात है, मैं पूरी डिटेल ले रहा था बिल्कुल नेक्स्ट टाइम आओ तो मिलते हैं। अंकल नो अरे अंकल तो स्टाइल तो करते हो, मुझे लगा करते होंगे। अच्छा बाबा बाबा सभी का स्टाइल ये सब करता है, देखते हो आप भी देखते हो। हां जब मैं लगा होता ना तो आता मेरे पास बैठ जाता है। अनु ने सूद से मिलिए, अश्विनी से मिले, अश्विनी ने हमें अनु ने सूद से मिलाया। अश्विनी थैंक यू वंस अगेन कि आपने भी हमें टाइम दिया और अनु ने से भी मुलाकात करवाई हमारी, बहुत अच्छा लगा अनु ने से भी मिलके। बहुत अच्छा नेचर है, एकदम ग्राउंडेड हम्बल और एकदम मतलब फुल ऑफ लाइफ, जैसे वो वीडियोस में लगते हैं ना बिल्कुल वैसे ही रियल लाइफ में भी। कोई एटीट्यूड नहीं कुछ नहीं, मस्त मौला एकदम मस्त खुश दिल। और उन्होंने भी हमें टाइम दिया, बड़ी देर रुके बात की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। बाकी अनुने ने ना बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बनाई हुई है मनाली में द घर के नाम से। अनुने सूद यूट्यूब चैनल पर आप जाके इनकी जब वीडियोस ओपन करोगे तो उनके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप उनकी प्रॉपर्टी चेकआउट कर सकते हो और अगर पसंद आती है तो बुक कर सकते हो। अभी तो हम जा रहे हैं मनाली से वापस चंडीगढ़, कुछ जोरावर का स्कूल है, छुट्टियां नहीं है ज्यादा, जाना भी जरूरी है। नहीं तो अगर एक दो दिन पहले भी अगर हम इनसे मिलते ना तो जिस होटल में हम ऑलरेडी रह रहे हैं वहां से चेकआउट करके फटाफट अनुने की प्रॉपर्टी में जाके हम चेक इन कर लेते, लेकिन कोई नहीं है ना क्योंकि हमने वैसे भी हम सर्च मार रहे थे इनकी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ से, तब ये दिल्ली में थे तो हमें ये था कि जब हम फर्स्ट टाइम इनकी प्रॉपर्टी में जाएं तो ये वहां होने चाहिए अनुने और हम इनसे मिल लें। तभी हमने सर्च की थी इनकी प्रॉपर्टी, लेकिन इनके वीडियोज में जब मैंने देखा कि ये तो मनाली में है नहीं किसी काम से दिल्ली आए हुए हैं, तो मैंने सोचा यार फिर हम उन दिनों में जा रहे हैं अगर ये दिल्ली में होंगे, हमें फर्स्ट टाइम हमें ऐसे था ना इनकी प्रॉपर्टी में जब हम जाए रहने तो ये भी वहां हो, तो अभी इसलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग स्पेशल, अब आपस में हम लोग यही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जल्दी हम स्पेशल ट्रिप प्लान करेंगे स्पेशली अनुने की प्रॉपर्टी में आके रुकने के लिए और जरूर रुकेंगे, है ना जोरावर। हाँ जी दादा। तुम्हें कितना लग गया मिलके? दादा बहुत अच्छा लग गया मेनू। केड़े अंकल है? बाबा अंकल। कितना कर दे? अनुने सूद का स्टाइल है ना बाबा है, तो उनका तो जोरावर को उनका स्टाइल बहुत पसंद है तो उन्हें भी करके दिखाया जोरावर ने, बड़े खुश हुए। मनाली तो हम आए थे स्नोफॉल देखने, तो मनाली ट्रिप हमारा दुगना वसूल हो गया, पहले तो स्नोफॉल ने करा दिया वसूल और दूसरा लास्ट डे जिस दिन हम मनाली से निकल रहे हैं उसी दिन हमारी मुलाकात होगी अश्विनी से भी और अनुने सूद से भी, तो बहुत ज्यादा खुश है हम, बहुत ज्यादा अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं मनाली से और जल्दी आएंगे मनाली वापस और स्पेशली अनुने की प्रॉपर्टी में रुकेंगे द घर। तो फिर चलते हैं मनाली से चंडीगढ़ अपने घर, लेट्स गो जी। तो फाइनली हम निकल चले हैं मनाली से चंडीगढ़ के लिए, इस वक्त हो रहे हैं दोपहर के 12:30, आराम से भी जाएंगे तो 7 से 8 घंटे लगने चाहिए घर पहुंचने में, और बाकी काफी मजा आया मनाली के स्टे में क्योंकि मनाली तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, यहाँ मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल नहीं करता जाने का, तो नेक्स्ट टाइम भी जल्दी आएंगे। आई होप कि आपको हमारे मनाली के वीडियोस अच्छे लगे हों, अगर वीडियोस हमारे अच्छे लगे तो डू गिव इट अ लाइक और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ हमारी, उससे काफी सपोर्ट मिलता है हमें। ये देखिए ब्यास रिवर साथ साथ फ्लो हो रही है, इसमें राफ्टिंग भी होती है, आगे बहुत मतलब हैवी फ्लो है रिवर का तो उसमें बहुत बढ़िया राफ्टिंग होती है, बहुत फेमस है राफ्टिंग के लिए, लोग मनाली आकर राफ्टिंग करना पसंद करते हैं। ये सारे आपको पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग वालों के काउंटर्स मिल जाएंगे जैसे आप मनाली एंटर करने लगोगे ना। हमने सोचा कार वॉश करवा लेते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल स्पॉट हमें मिला है जहाँ पे कार वॉश करवाएंगे हम।
के पास हम आए थे और खुश हो गए थे कि यहाँ पे कार वॉश कराएंगे, पर लाइट ही नहीं इनके पास। चलो फिर चलते हैं। ये है बेला रिवर बैंक, ये बहुत अच्छा कैफे है, रेस्टोरेंट है। यहाँ से आपको बढ़िया सा रिवर व्यू मिलता है। वो देखिए वहाँ रिवर है, यहाँ सिटिंग है, यहाँ बैठ के आप अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं, कॉफी वॉफी। हम लोग ना 2 साल पहले जब आए थे तब यहाँ रुके थे। आप मेरा वो पुराना व्लॉग देख सकते हो मनाली का, जिस दिन हम चंडीगढ़ से मनाली आए थे तो इसी बेला रिवर बैंक रुक के हमने खाना खाया था दोपहर का। चलो आगे देखते हैं, अगर तो अच्छा कोई कार वॉश वाला मिलता है तो करवा लेंगे, नहीं तो सीधा चंडीगढ़ जाके करवाएंगे। पैराग्लाइडिंग हो रही, कितने सारे पैराग्लाइडर्स भरे पे आसमान, देखो आसमान में कितने पैराग्लाइडर्स एक साथ इकट्ठे पैराग्लाइडिंग करते हुए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्पॉट मुझे दिखाई दिया है, ये है ब्यास रिवर। पानी के शोर की आवाज सुनो, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, सूदिंग है ना, बढ़िया। चारों तरफ पहाड़ और ये दरिया और ऊपर पैराग्लाइडिंग होती हुई। हमने मोनेस्ट्री लग रही है मैंने, वो माउंटेन थे देखो। तो जी हम पहुंच गए कुल्लू, इस वक्त नीचे जाएंगे तो कुल्लू टाउन, हम लोग ऊपर से निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। बहुत अच्छी रोड बन गई अब तो, पहले तो बहुत टाइम लगता था बुंदर कुल्लू के बीच में से होते जब हम आते थे प्रॉपर शहर के बीच में से, अब तो बाईपास बना दिया है तो इतनी फास्ट आप निकल जाते हैं ना बाहर। आने वाले टाइम में तो ये टनल्स का काम चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना चंडीगढ़ टू मनाली तो 4-5 घंटे का रास्ता ही रह जाएगा। अभी जस्ट पीछे कुल्लू गया है, बुंदर भी पहुंच गया। जोरावर सिंह नींद होगी पूरी? हां जी दादा। ओके भाई, जोरावर ना उसको जल्दी उठा हुआ है तो नींद आ गई थी, तो कहता डैड मैं सो रहा हूँ लेकिन ना जब मंडी आ जाएगा मुझे प्लीज उठा देना, मंडी गुरुद्वारे जाएंगे हम। मैंने कहा भाई ठीक है, बस मंडी जस्ट पहुंचे, हम एंटर कर रहे हैं मंडी में और गुरुद्वारा साहब का रास्ता बस 5 मिनट का रह गया है, तो उसे अभी उठाया हमने। तो उठते कहता है हम मंडी पहुंच गए, क्योंकि जब हम चंडीगढ़ से मनाली आए तब भी गए थे, तो अब जा रहे हैं तो इसे है कि मैं अभी भी मैं जाऊंगा गुरुद्वारे साहब मत्था टेकने। तो हमने कहा बिल्कुल चलेंगे, और वो दूर दिख रहा होगा आपको गुरुद्वारा साहब मंडी का, रहा सामने गोल्डन गुंबद आप देख सकते हो। ये देखिए जी पहुंच गए हम गुरुद्वारा साहब। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी की फतेह। चल के करते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन। वाहेगुरु जी। जोरावर तुम्हें मंडी गुरुद्वारे साहब आना पसंद है हर बारी? हाँ जी दादा। की पसंद है सबसे ज्यादा इतने? गुरुद्वारे साहब के बहुत अच्छी तरह से दर्शन हो गए। जोरावर सिंह हैप्पी? चलो फिर अब यहाँ से सीधा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहाँ से 190 किलोमीटर है, जिसे कवर करने में लग जाएंगे तकरीबन 4 घंटे हमें। ये है मंडी शहर, ये है जी सुंदर नगर। चारों तरफ पहाड़ियाँ, बीच में फ्लैट एरिया है, ये इसी की वजह से शायद इसे सुंदर नगर बोलते होंगे। अभी कभी तो ये हमें कश्मीर की लैंडस्केपिंग की भी याद करवा देते हैं। पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है यहाँ की ब्यूटी, हमें देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। जी तो इस वक्त बज रही शाम के 6 और हम पहुंच गए बिलासपुर। अब तो दिन भी ढलने लगा है, घर पहुंचते पहुंचते हमें 8-9 बज जाएंगे। जी तो इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और हमने सोचा बड़ी देर से कोई ब्रेक नहीं लिया, शाम की चाय भी नहीं पी, तो चल के चाय पीते हैं ना। तो चटनी वेलकम मीटिंग पॉइंट, इनकी हरी चटनी बहुत ज्यादा फेमस है। पिछली बार भी हम लोग यहाँ रुक के शाम की चाय पी थी और पकौड़े खाए थे और साथ में इनकी ग्रीन चटनी खाई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है।
ठंड भी बहुत ज्यादा है इसलिए फटाफट जैकेट में जैकेट पहना है। सिंह नींद होगी जी? हाँ जी गर्मा गर्म पकौड़ी और इनकी फेमस ग्रीन चटनी। भाई ठंड के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में इनकी फेमस ग्रीन चटनी, क्या बात है। वेरी यम्मी। यम्मी आई डोंट वांट टू बी। तुझे की मंगाया अपने लिए? मैगी। यम्मी भी लग गई है ना? इडली बना सकता हूँ। इडली बनना है? बन गया। यस स्वाद चाहे घर जैसे। मैगी आ गई। मैगी खा रहे हूँ? ब्रेड ऑमलेट। ठीक है जी। ऐसे खाते हैं ब्रेड ऑमलेट। की आ गई है मैगी। यस गर्मा गर्म धुआंदार। हाँ जी जोरावर थोड़ी मैगी अम्मी है। आज हमने ना वो सारी चीजें ऑर्डर कर दी चाय के साथ साथ जो पहाड़ों में और सर्दियों में स्पेशली इंजॉय की जाती है, वो है जी सबसे पहले हमने मंगाया चाय के साथ पकौड़े, फिर मंगाया ब्रेड ऑमलेट और अब मंगाइए मैगी। मजा आ रहा है ना? और हर एक चीज एक से बढ़के एक लग रही है और सब सिंपल बना है लेकिन बहुत ज्यादा स्वाद है, गर्मा गर्म है ना, मजा आ रहा है। चाय के लिए सब कुछ खा लिया, सब कुछ बहुत स्वाद था। अब चलते सीधा चंडीगढ़। हाँ जी तो हम प्लेन्स में पहुंच गए, किरतपुर साहब पहुंच गए हैं। बस चंडीगढ़ यहाँ से 71 किलोमीटर। इस वक्त हम खरौट पहुंच गए हैं। तो लो जी हम चंडीगढ़ पहुंच गए। आई होप कि आपको हमारे मनाली ट्रिप के व्लॉग्स अच्छे लगे हों। अगर व्लॉग्स अच्छे लगे हैं तो डू गिव इट अ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है जी आज का व्लॉग फिर हम यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।